हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएस। दोस्तों, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर के अंदर नासा के कुछ हम मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर में आता है हमारे पास ऑसिरिक्स REX। तो ये मिशन आपको याद करना है, नासा का मिशन है। सेकंड, ये जा रहा है एस्ट्रॉयड बेनू के ऊपर गया, 2016 के अंदर लॉन्च किया गया। तो एस्ट्रॉयड के बारे में हमने स्टडी कर लिया है और बेनू के ऊपर जा रहा है, बेनू एस्ट्रॉयड का नाम है। नेक्स्ट आता है लूसी मिशन। तो लूसी जो है वो किस हमारे 2021 के अंदर जाएगा और ये फर्स्ट स्पेस मिशन होगा जो कि स्टडी करेगा जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉयड को और उनके फ्लाई बाय 6 ट्रोजन जो होंगे वहाँ से फ्लाई करेगा। ये जो हमारे जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉयड हैं, तो एस्ट्रॉयड के बारे में पता है। ट्रोजन एस्ट्रॉयड ये कहाँ पे प्रेजेंट है उनके बारे में देखते हैं। ट्रोजन एस्ट्रॉयड आर एनी वन नंबर ऑफ एस्ट्रॉयड दैट ऑक्यूपाई अ स्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट इन प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो फर्स्ट लूसी मिशन क्या करने जा रहा है, ये मान लो सन है हमारा इस टाइप से ऑर्बिट, ये हमारे पास जुपिटर। तो जुपिटर हमें पता है ये कहाँ पे प्रेजेंट है ट्रोजन एस्ट्रॉयड, ये प्रेजेंट हैं ऐसे एस्ट्रॉयड जो कि लैग्रेंजियन पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो स्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट जब दो बॉडीज़ के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच जाती है और उस लोकेशन के ऊपर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसको अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए कम एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। मतलब एक इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है दो हमारी बॉडीज़ के बीच में। तो हमारे जिस तरीके से अर्थ के भी लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, आदित्य मिशन जो था वो L1 लैग्रेंजियन पॉइंट के ऊपर गया था, उसी तरीके से हमारे अदर बॉडी के भी लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ पे जुपिटर इसके भी लैग्रेंजियन पॉइंट के ऊपर ये हमारे एस्ट्रॉयड प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉयड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे अगर ये सन है हमारे पास तो जुपिटर के काफ़ी दूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड, यहाँ पे भी काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड देखने को मिलेंगे। इनके अलग अलग नाम हैं लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी एस्ट्रॉयड की बॉडी देखने को मिलेगी। तो जो हमारा लूसी मिशन जाएगा वो इनको स्टडी करने के काम करेगा ट्रोजन एस्ट्रॉयड को। तो बेसिक समझना, लूसी जा रहा है जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉयड जो कि लैग्रेंजियन पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट हैं, स्टेबल पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट हैं, वहाँ पे जाएगा ये उनको स्टडी करने 2021 में। फिर आता है हमारे पास इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन, तो IMAP मिशन। अब ये क्या काम करेगा, एम टू लर्न, ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करेगा किसके बारे में, हेलियोस्फीयर के बारे में। तो 2024 में लॉन्च करेंगे और इंटरस्टेलर मैपिंग एक्सेलरेशन प्रोब काम क्या करेगा, ये हमारे पास सन से एनर्जी निकलती है, सन से प्लाज्मा की फॉर्म में एनर्जी की इरप्शन होगी और जितने एरिया के अंदर में वो प्लाज्मा अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं हेलियोस्फीयर, इसको बोलेंगे हेलियोस्फीयर। अब इसी के अंदर ही हमारे प्लैनेट होंगे, जैसे प्लैनेट यहाँ पे हमें पता है अर्थ की मैग्नेटिक जो फील्ड है वो हमें बचाती है सन से, जो सोलर विंड निकलेगी या जो चार्ज पार्टिकल प्लाज्मा निकलेगा सन से उससे बचाती है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमारी सोलर जो विंड होती हैं सन से जो निकलने वाली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो पूरे जितना एटमोसफियर वो कवर कर सकते हैं, आसपास का एरिया जितना कवर कर सकते हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लो प्लैनेट खत्म हो गए लेकिन सन से निकलने वाली जो रेस हैं वो अफेक्ट कर रही हैं पूरे रीजन को। तो जितने रीजन तक सन का प्रभाव होगा उस रीजन को बोलेंगे हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर को हमने स्टडी करना है बिकॉज फ्यूचर के अंदर अगर हम अपने प्लैनेट से बाहर निकलते हैं तो हमारा सामना होगा इस हेलियोस्फीयर के अंदर जो सन की एनर्जी है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। और इस हेलियोस्फीयर से बाहर से जो आने वाली एनर्जी होती है, सन जो है प्रोटेक्ट भी करता है हमारे प्लैनेट को, बाहर से आने वाली जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, कॉस्मिक रेज होती हैं, उनसे ये रिएक्शन भी होता है यहाँ पे और कई बार उससे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है सन हमें इनडायरेक्ट वे में। तो हम ऐसे मिशन से स्टडी करना चाहते हैं अपने हेलियोस्फीयर को तो अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि इससे ही सोलर विंड आती हैं, सोलर इरप्शन होती हैं, सोलर फ्लेयर का क्या प्रभाव पड़ता है, पूरे स्पेस का जो वेदर है वो सन के द्वारा निर्धारित होता है यहाँ पे, मतलब हमारे आसपास। उसके बाद तो काफ़ी सारे प्लैनेट होते हैं, हर प्लैनेट की अपनी अपनी हेलियोस्फीयर होगा लेकिन सन का जो हेलियोस्फीयर है वो तो हम स्टडी कर पाएं, तो उतना ही हम स्टडी करने की बात करें इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब से, ताकि हमें सोलर विंड के बारे में, सोलर वेदर के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो सके। 2024 में इसको लॉन्च करेंगे। फिर आता है हमारे पास कैपलर मिशन। तो कैपलर मिशन रिटायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, पर है क्या कैपलर मिशन, कैपलर मिशन इज़ अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। जब हम बोलेंगे स्पेस ऑब्जर्वेटरी तो क्या मतलब, कि हमारे पास कोई व्हीकल होगा उसके अंदर टेलीस्कोप रखा हुआ है, तो या तो टेलीस्कोप बोलो या ऑब्जर्वेटरी बोलो एक ही बात है, मतलब टेलीस्कोप है कोई स्टडी करने के लिए। तो कैपलर मिशन में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि नासा के ही सारे मिशन पढ़ रहे हैं तो नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया होगा इसको। और इसमें हम स्टडी करने वाले थे अर्थ के साइज़ के जो प्लैनेट थे उनको हमने ढूंढना था, उनको स्टडी करना था, डिस्कवर करना था उनको। और ये रिटायर हो चुका है रिसेंटली, इसको रिप्लेस कर दिया गया है एक नए मिशन के द्वारा जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो द केपलर टेलीस्कोप डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ प्लैनेट बाय रजिस्टरिंग मिनिस्कल ड्रॉप इन द स्टार ब्राइटनेस दैट अकर व्हेन अ प्लैनेट क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ इट, द मोमेंट इज नोन एज ट्रांजिट। अब आपको प्लैनेट ढूंढना है, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ
आपको प्लेनेट ढूंढना है, कोई दूसरी गैलेक्सी है उसके अंदर में प्लेनेट ढूंढना है, तो हमें एक चीज़ पता है आपको, कोई चीज़ कब दिखती है, जब उसके अंदर में लाइट होती है, उससे लाइट आपके पास में पहुंचती है। तो अगर स्टार है कोई चमकने वाला, तो अगर हम स्टार की बात करेंगे, तो अगर काफ़ी दूर जो स्टार होता है, तो उसको जब काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप से भी देखेंगे, तो वो हमें एक पिन की लोकेशन का, एक छोटा सा पिन की लोकेशन का वो दिखेगा। मतलब अगर जिसके पास में अपनी लाइट है, वो भी हमें पिन की लोकेशन का दिखेगा। तो बड़े जो हमारे प्लेनेट होंगे, प्लेनेट के पास में तो अपनी कोई रोशनी नहीं होती, उसके ऊपर रोशनी पड़ती है स्टार की। तो प्लेनेट तो हमें डायरेक्टली देखने को नहीं मिलते जनरली, अगर ज़्यादा नज़दीक हो तो ही देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेनेट को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे उसी में एक टेक्निक होती है ट्रांजिट टेक्निक। तो इसके अंदर में हमारी ट्रांजिट टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये हमारे पास स्टार है, यहाँ पे प्लेनेट है, तो हमें पता है प्लेनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब प्लेनेट जो है यहाँ पे स्टार, प्लेनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्टार की रोशनी तो दिख रही है, लेकिन ये प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहा है, जब ये प्लेनेट इसके सामने आएगा तो थोड़ी सी रोशनी डिम होगी, मतलब थोड़ी सी रोशनी आपको कम देखने को मिलेगी इसके, जब स्टार इसके सामने आएगा तो साइंटिस्ट उस रोशनी को नोटिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या वो रोशनी, अब ये जब इसके अराउंड घूमेगा तो ऑब्वियसली बात है कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जिसके बाद फिर से आएगा, तो वो देखेंगे कि क्या दो घंटे, हर दो घंटे के बाद में रोशनी डिम हो रही है, उसके बाद देखेंगे क्या हर दो घंटे के बाद दो सेकंड के लिए रोशनी डिम हो रही है, उससे वो अनुमान लगाते हैं कि इसके अराउंड कोई प्लेनेट हो सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधारित माइक्रोलेंसिंग का यूज़ कर लेते हैं, रेडियल वेलोसिटी टेक्निक होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो वो अलग अलग टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, ये भी हमारे काम की नहीं है उतनी, कि ट्रांजिट फोटोमेट्री बोलते हैं इसको, ये कितने काम की है, बट आपको केपलर मिशन ऑब्जर्व करता है, प्लेनेट को ऑब्जर्व करने के लिए था ये, तो यही इसका काम था। लॉन्च किया गया था 2009 में और रिसेंटली ये हमारा जो है मिशन ख़त्म हो गया। इसके बाद में एक और ऑब्जर्वेटरी हम ऊपर भेज रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। तो केपलर मिशन को रिप्लेस किया गया इसके द्वारा, टैश मिशन के द्वारा। तो काम क्या करेगी, सेम काम करेगी, लॉन्च किया गया 2018 में, काम करेगी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट, मतलब जो ट्रांजिट कर रहे हैं एक्सोप्लेनेट, एक्सोप्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर वाले प्लेनेट जो किसी और स्टार को के अराउंड घूम रहे हैं, ट्रांजिटिंग यहाँ पे हमारे पास स्टार जो ट्रांजिट कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं इसके आसपास से, बाईपास करके जाएंगे, उनको हम स्टडी करेंगे इसके द्वारा। स्टडी कैसे करेंगे, सेम टेक्निक से जो हमने पीछे देखी कि जब लाइट डिम होगी उसको स्टडी करने के लिए। तो ये एक स्पेस टेलीस्कोप है, नासा के द्वारा इसको बनाया गया है और एक्सोप्लेनेट को स्टडी करेगा, और ये ट्रांजिट मेथड का यूज़ करेगा जो हमने पीछे देखा, ट्रांजिट फोटोमेट्री अभी देखा, वही सेम मेथड यूज़ करेगा। और ये एरिया केपलर मिशन से ज़्यादा एडवांस है, उससे लगभग 400 टाइम लार्जर एरिया को कवर कर सकता है, स्टडी कर सकता है ये। तो ये था हमारे पास ट्रांजिट एक्सोप्लेनेट सर्वे। अब बात करते हैं स्टीयर एक्स। तो स्टीयर एक्स हमारा आता है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स इपोक ऑफ रीआयनाइजेशन आइसिस एक्सप्लोरेशन। ये क्या काम करेगा स्टीयर एक्स, जब नाम आपको समझ आए तो मतलब ये क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी की जब बात आएगी तो मतलब क्या, ये किसी बॉक्स के अंदर में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। तो ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप क्या काम करता है, टेलीस्कोप काम करता है जो हमारी ये सब रेज हैं, कोई ऑब्जेक्ट के इन सब रेज को रिलीज़ कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ें रिलीज़ करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मोर देन वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनको रिलीज़ करते हैं, जैसे सन इन्फ्रारेड भी छोड़ेगा, विजिबल भी छोड़ेगा, अल्ट्रावायलेट भी छोड़ेगा, तो इन सबको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप, हर टेलीस्कोप की अपनी जितनी मतलब उसकी कैपेसिटी होती है, कुछ टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल रेंज के अंदर में मेज़र कर सकते हैं, उनको ऑप्टिकल टेलीस्कोप बोलते हैं, कुछ इंफ्रारेड के अंदर में मेज़र करते हैं सिर्फ, कुछ हमारे अल्ट्रावायलेट में मेज़र करते हैं, जैसे हमारे पास है एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट हमारी ऑब्जर्वेटरी, तो वो तीनों के अंदर में ऑब्जर्व कर पाती है साइमल्टेनियसली, तो इसलिए वो एडवांस लेवल की है। तो इसी तरीके से हमने बनाया हुआ एक नियर इंफ्रारेड, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये हमारे पास स्टीयर एक्स। तो आपको याद करना स्टीयर एक्स किसका, नासा का है, क्या टेलीस्कोप है, काम क्या करेगा नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर में स्टडी करेगा पूरे यूनिवर्स को, स्टडी करने से पता करने की कोशिश करेगा कि हमारा यूनिवर्स उसकी हिस्ट्री के अंदर में। अब ये क्या करेंगे, दूर दूर की गैलेक्सीज, दूर दूर से आने वाली लाइट को स्टडी करेंगे, वहाँ से गैलेक्सीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसकी स्टडी करने का काम किया करेंगे। तो बस आपको याद रखना है स्पीयर एक्स नासा के द्वारा ऑब्जर्वेटरी है, मतलब टेलीस्कोप है, नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर में पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है। तो हमने इससे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में स्टडी करना है, और कॉमन इंग्रेडिएंट हमारी गैलेक्सी के अंदर में जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन देखने को मिल रही हैं, ये सब चीज़ें तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस दो तीन चीज़ें जो मैंने बताई सिर्फ उतना याद करना है। नेक्स्ट आती है आइस सेट। तो ये क्या काम करेगी,
अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम है ये, अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम कर रहा है ये, जिस तरीके से हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेटेलाइट थी उसी तरीके का है ये, लेकिन इसका थोड़ा पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो मेन काम है वो क्या काम करेगा, ये पोलर आइस चेंजेस हमारे आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन के अंदर में आइस किस तरीके से चेंज हो रही है उसके बारे में स्टडी करेगा। बायोमास हमारे फॉरेस्ट वगैरह के बारे में स्टडी कर लेगा, ये कितने ज़्यादा हमारे डिक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्लॉड प्रॉपर्टी को स्टडी करेगा, क्लॉड्स की प्रॉपर्टी को अलग अलग प्लेसेस के ऊपर में उसको स्टडी करेगा। टोपोग्राफी हमें जियोग्राफी के बारे में कहाँ पे उतार चढ़ाव किस टाइप की और वेजिटेशन वगैरह उनके बारे में पूरे ग्लोब का डाटा प्रोवाइड करवाएगा। तो नासा का मिशन है ये, तो मतलब आपको नॉर्मल सा पता ही होना चाहिए। जब अर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ये सब चीज़ें आप खुद अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हो। तो आइस सेट, आइस क्लॉड और लैंड एलिवेशन वगैरह की स्टडी करने के काम आएगा। 2018 में इसको लॉन्च किया गया। आइस की प्रॉपर्टी, क्लॉड की प्रॉपर्टी, टोपोग्राफी, वेजिटेशन के बारे में स्टडी करेगा। नेक्स्ट आता है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ग्रेस। तो ग्रेस नाम याद करना, ग्रेस हमारा मिशन है किसका, नासा और जर्मन एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो नासा और जर्मनी का मिशन है, इसको लॉन्च किया गया 2018 के अंदर में। काम क्या करेगा, काम जैसा नाम से पता लग रहा है, ये ग्रेविटी के बारे में स्टडी करेगा, अर्थ की ग्रेविटी। जैसे इस टाइप से अर्थ ये ऊपर घूमेगा यहाँ पे, और ये मेज़र करेगा, ग्रेविटी हमें बताया कि सेंटर की तरफ हमें खींच रही है, तो ये मेज़र करेगा कि कौन से रीज़न, हमें पता है ग्रेविटी जहाँ पे ज़्यादा मास होगा वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो ये घूमते घूमते स्टडी करने की कोशिश करेगा कि कहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे किस टाइप का मास है, अर्थ के अंदर में किस टाइप की चीज़ें प्रेजेंट हैं। और एक और जो चीज़ें यहाँ पे देखेगा वो ये देखेगा कि पानी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर बह रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी जो फ्लोइंग वाटर है उसका क्या प्रभाव पड़ता है ग्रेविटी के ऊपर, उसको स्टडी करने का काम करेगा। तो जॉइंट मिशन नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी का मिशन है, मैप करेगा अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड, अर्थ के द्वारा कितनी ग्रेविटेशन से खींचा जा रहा है उसको मैप करेगा, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, और ये भी स्टडी करेगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में जो पानी मूव कर रहा है उससे ग्रेविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ग्रेस मिशन नासा जर्मन स्पेस एजेंसी स्टडी करेगा ग्रेविटी को, अर्थ की ग्रेविटी कहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रेविटी है, कहाँ पे कम है, कम है तो क्यों है, उसके अलावा जो मूविंग वाटर है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको स्टडी करेगा। नेक्स्ट आता है विजन टू मिशन, विजन टू मिशन विजुअलाइजिंग आयन ऑट फ्लो वाई न्यूट्रल एटम सेंसिंग टू। तो इसके अंदर में क्या किया जाएगा, इट इज़ अ सॉन्डिंग रॉकेट मिशन। सॉन्डिंग रॉकेट का क्या मतलब, आपने एक रॉकेट ऊपर भेजना, वो ऊपर कुछ आपने एक्सपेरिमेंट होंगे उसके अंदर में, जैसे मान लो यहाँ पे एक कैप्सूल है उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट आपने डाले हुए हैं, वो ऊपर स्टडी करके आएगा। जैसे मान लो 60-70 किलोमीटर आपने ऊपर फेंका उसको, उसके बाद में वो स्टडी करके वो वाला कैप्सूल फिर से वापस आ जाएगा अर्थ के ऊपर और डाटा प्रोवाइड करवाएगा। इसको अर्थ के एटमोसफियर को स्टडी करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है कई बार, या एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए एटमोसफियर में उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सॉन्डिंग रॉकेट जो है मिशन, इसको यूज़ किया गया विजन टू मिशन के लिए यूज़ किया गया इसको सॉन्डिंग एंड प्रोव रॉकेट। ये क्या करेगा, ब्रीफ फ्लाइट मतलब थोड़े टाइम के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, हवा के अंदर ब्रीफ फ्लाइट करेगा स्पेस के अंदर में, और उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में अर्थ के ऊपर फिर से फॉल करेगा और हमें रीडिंग देगा। मतलब 80-160 किलोमीटर ऊपर भेजेंगे हम रॉकेट को, उसके बाद में थोड़े टाइम बाद वो ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नीचे रीडिंग लेके आएगा हमारे लिए। और इसके द्वारा हम स्टडी कर रहे थे मेनली बेसिकली एटमोसफियर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर में मेन हमारा जो इशू था वो था ऑरोरा बोरियालिस। तो बेसिकली विजुअलाइजिंग आउट फ्लो, आयन का आउट फ्लो, हमारे एटमोसफियर से आयन कैसे बाहर जा रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए मिशन था। हमने स्टडी करना था अर्थ का एटमोसफियर किस तरीके से धीरे धीरे करके लीक हो रहा है स्पेस के अंदर में। बेसिकली हमें पता है कि मार्स का जो एटमोसफियर था, मार्स का एटमोसफियर हुआ करता था किसी टाइम, लेकिन वो धीरे धीरे करके उड़ गया हवा के अंदर में। तो हम भी यही स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारा जो स्पेस है वो भी धीरे धीरे करके लीक हो रहा है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं किस मिशन से, विजन मिशन से। तो विजन मिशन के अंदर हमने सॉन्डिंग रॉकेट ऊपर भेजा जो ऊपर से हमारे लिए डाटा लेके आया, और मेन हम फोकस कर रहे थे ऑरोरा, जो हमारे इवेंट होते हैं वो विजन टू मिशन का मेन इंटरेस्ट था। वो देख रहे थे कि ये इस टाइप के जब इवेंट होते हैं तो उस टाइम कैसे एटमॉस्फेयर हमारा लीक होता है फर्दर स्पेस के अंदर में। तो अगर बात करेंगे ऑरोरास की तो इस टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। अब ये क्यों देखने को मिलते हैं, इस टाइप से हमारी अर्थ होगी, सन से निकलने वाली जो एनर्जी चार्ज पार्टिकल होंगे वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो उनके जो एटम होगा उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे वो, एक्साइट करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। मतलब इस टाइप से, जैसे मान लो पहले इस स्टेट के अंदर थे वो इलेक्ट्रॉन, अब वो ऊपर वाली स्टेट के अंदर चले गए क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई। अब कोई भी एटम वगैरह उस स्टेट के अंदर में हमेशा नहीं रह सकता, उसको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आना चाहता है। जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा तो जो एनर्जी उसने ली थी उसको बाहर छोड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा कौन सा मॉलिक्यूल है। जैसे ऑक्सीजन होगी तो कौन सा कलर वो ऑक्सीजन उसके ऊपर छोड़ेगी, नाइट्रोजन अलग कलर छोड़ेगी,
तो उस टाइप से जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी जो एटम होंगे एटमॉस्फेयर में के अंदर में जो गैसेज हैं उनके साथ में जब चार्ज एनर्जी पार्टिकल रिएक्ट करेंगे सन से आने वाले, तो उनके रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, उसके बाद में एनर्जी रिलीज होगी और वो जैसा मैंने बताया वो कलर डिफरेंट हो सकते हैं। कौन से जो एटम था उससे रिएक्ट हुए, ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट होगी तो कलर डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी तो उसी तरीके से ग्रीन ब्लू कलर जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ये कलर उस टाइप से देखने को मिलते हैं। तो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे विजन मिशन से कि इससे एटमोसफियर जो है कुछ हद तक हमारा लीक होकर स्पेस के अंदर जा रहा है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया। तो अरोरा क्या है? अरोरा बनते हैं जब एनर्जी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सन, मतलब बेसिकली चार्ज पार्टिकल आए सन से और सन से चार्ज पार्टिकल ने क्या किया, एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन को एटमॉस्फेयर की जो गैसेस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनको उनके जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एक्साइट कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, जब वो वापस आए अपनी रिलैक्स स्टेट के अंदर में तो उन्होंने एनर्जी रिलीज़ की। एनर्जी रिलीज़ करने के कारण जो एनर्जी थी वो कलर की फॉर्म के अंदर में, जैसे ब्लू रेड ग्रीन उस कलर के फॉर्म में रिलीज़ की और इस टाइप की हमने ऑरोरास बनाए। तो ये हमें मैग्नेटिक पोल, अब आपके लिए क्वेश्चन है अरोरा, वैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो ये हमारे अरोरा जो है वो मैग्नेटिक पोल हमारे नॉर्थ और साउथ पोल के नज़दीक ही क्यों देखने को मिलते हैं वो आपको बताना है। और इनको अरोरा बोरियलिस बोलेंगे नॉर्थ के अंदर में, ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे साउथ के अंदर में, जब हम यही सेम इवेंट हमें देखने को मिलेगा। तो हमने देखा विजन मिशन नासा के द्वारा सोंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया, स्टडी करना था इनके द्वारा कि एटमॉस्फेयर स्लोली स्लोली लीक हो रहा है स्पेस के अंदर में, और उसी से रिलेटेड एक हमारा इवेंट है अरोरा। अरोरा को भी इन्होंने स्टडी करना था, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है एटमॉस्फेयर के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का मतलब कोई कॉमेट या एस्ट्रॉयड जो कि ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण, नियर बाई प्लैनेट के कारण उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कौन होंगे, कोई कॉमेट या एस्ट्रॉयड। कॉमेट कौन से होते हैं, कॉमेट होते हैं आईसी पार्टिकल, एस्ट्रॉयड हमारे रॉकी होते हैं मेनली। वैसे इनके अंदर में मतलब डिफरेंस कई बार देखने को नहीं भी मिल सकता, थोड़ा मतलब ये इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो डिफरेंस माना जाता है, एस्ट्रॉयड जो थे वो हमारे सन के नज़दीक होते हैं, उसके कारण ये हमारे रॉकी सरफेस होता है, मेटालिक सरफेस होता है। कॉमेट थोड़े सन से काफ़ी दूर होते हैं, उसके कारण ये आइसी काइंड के पार्टिकल होते हैं, रॉक्स वगैरह आइसी, मतलब मोस्टली इनमें आइस देखने को मिलेगी। तो एस्ट्रॉयड और कॉमेट ऐसे कोई बाहर के ऑब्जेक्ट जो कि ग्रेविटेशनल पुल, प्लैनेट वगैरह आपस में खींचते रहते हैं उनको सन के कारण, वो खींच के चले आते हैं और अर्थ के आसपास घूमेंगे, नेबरहुड के अंदर पहुंचेंगे, उनको बोलेंगे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। अब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, बिकॉज अगर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट इतनी जितनी स्पीड से ये मूव कर रहे हैं लाखों किलोमीटर स्पीड से, उतने से अगर अर्थ से टकरा जाते हैं तो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नासा ने रिलीज़ किया एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम था नेशनल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। अब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर ना टकराएं उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे फ्यूचर के लिए। ये 10 ईयर का प्लान था जिसके अंतर्गत हम ट्रैक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे इनको और इनको डिफ्लेक्ट करेंगे या डिसरप्ट करेंगे। इस टाइप से अर्थ होगी, अगर ऊपर से कोई एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ के ऊपर अटैक करने आ रहा है या अर्थ के साथ में टकराने वाला है तो हम उसको पहले से डिटेक्ट करके क्या करेंगे, या तो उसको हम कुछ छोड़ेंगे जिससे उसको डिफ्लेक्ट, उसका पाथ चेंज कर देंगे, या तो हम उसके ऊपर कुछ छोड़ेंगे उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा इनके द्वारा मतलब सोचा गया इसके बारे में कुछ करने के लिए। इसी के लिए नासा का एक मिशन आता है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन। एस्ट्रॉयड के ऊपर अटैक करेंगे उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट एवर मिशन है जिसको प्रपोज किया गया है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड को से प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें काफ़ी स्पेस एजेंसीज हैं, मेनली उसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा काम कर रही है। अब इसके अंतर्गत एस्ट्रॉयड इंपैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन के अंतर्गत 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए हैं। अब आपका अगर मान लो एस्ट्रॉयड आ रहा है ऊपर से तो हाथ से तो उसको हिलाओगे नहीं, आप नीचे से स्पेसक्राफ्ट भेजोगे वो उससे टकराएगा, या तो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा दूसरी साइड को, या उसको तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर में, छोटे टुकड़ों में होगा तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए हुए हैं, एक नासा का है जिसको बोलते हैं डार्ट DART डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, दूसरा हमारे पास आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जिसका नाम है एस्ट्रॉयड इंपैक्ट मिशन। तो ये काम सेम कर रहे हैं, डिसरप्ट या डिफ्लेक्ट करना है इन्होंने, और इट्स टारगेट इज टारगेटिंग के द्वारा रखा गया एक बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉयड जिसका नाम है डेडिमोस। तो एक एस्ट्रॉयड का नाम है और ये बाइनरी, मतलब बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेस के अंदर में वो बाइनरी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक, मतलब दो होंगे आपस में इस टाइप से देखने को एक ही लगेगा हमें, लेकिन वो 2 होंगे बाइनरी फॉर्म में होंगे। तो वो टारगेट है इसका जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है, तो उसको उसके ऊपर टारगेट किया जाएगा इनके द्वारा ताकि अर्थ को सेव किया जा सके। जैसा हमें पता कि जो हमारे डायनासोर थे उस टाइम एस्ट्रॉयड ने हिट किया था, तो उस टाइम की सिचुएशन हमारे लिए ना बने। नासा ने एक और स्पेसक्राफ्ट भी डिज़ाइन किया है जो जो हमारे एस्ट्रॉयड होंगे उनको तोड़ेगा, उसका नाम है हैमर।
हाइपर वेलोसिटी एस्ट्रॉयड मिटिगेशन मिशन फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो कि डिफ्लेक्ट कर सकता है एस्ट्रॉयड को। तो हमने देखा बेसिकली एस्ट्रॉयड अर्थ को हिट कर सकते हैं या कॉमेट हिट कर सकते हैं, उसके लिए नासा के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा 10 ईयर के लिए डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी बनाई गई। उसके अलावा एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा साथ में काम कर रही है। अब इनके द्वारा मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्पेस क्राफ्ट की आवश्यकता भी पड़ेगी जो डिफ्लेक्ट या डिसरप्ट करेगा। उसके लिए इनके द्वारा हमारे पास में डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट और एस्ट्रॉयड इंपैक्ट मिशन लॉन्च किया गया है। टारगेट इनका होगा हमारे पास में डीडीमोस, एक एस्ट्रॉयड आ रहा है जो बाइनरी फॉर्म में दो एस्ट्रॉयड होंगे, घूम रहे होंगे साथ साथ में, उनको डिस्ट्रॉय करना है इनके द्वारा। और इसके अलावा नासा ने एक और डिज़ाइन किया है इनके द्वारा, हैमर नाम है उस स्पेस क्राफ्ट का, जो सेम काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।